उधर फरीदकोट के पिंड गोदड़ साहिब के वासी पिंड के निकासी नाले दे विच वख-वख फैक्ट्रियां ते एक निजी कॉलोनी मालक वालों सीवर का गंदा पानी पाउण नूं लैके डाढे परेशान ने। पिंड वासियां दा कहना है कि फैक्ट्रियां वाले ते ना ही निजी कॉलोनी वाले निकासी नाले की सफाई करवाउंदे ने ते ना ही मुरम्मत, जिस कारण उन्हां नूं भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। पिंड दे अकाली सरपंच ने इस मामले दे विच करड़ा नोटिस भी लिया है। उन्हें समस्या के हल की मांग की है, जिस संबंधी उन्होंने फैक्ट्रिया के मालकों से कलोनी मालक नाल भी मुलाकात की है, पर उन्होंने किसी ने भी सुनवाई नहीं की। जिस तो बाद हुण पिंड के सरपंच ने तिखे संघर्ष की चेतावनी भी दे दी है। जो कुछ सानू पैसे आए सिर्फ सानू सेंटर सरकार वालों आए हैं। असी पंजाब की नवी बनी सरकार को बेनती करते हैं भी साडा जिहड़ा पिंड है एक इतिहासिक पिंड है, तो 600 तो उपर इतने घर है, तो बहुत सोहना एरिया मेन रोड के उत्ते पिंड वसया होया। मैं बेनती करदा पंजाब सरकार नूं प्रदूषण बोर्ड नूं भी जिहड़ियां इत्थे फैक्ट्रियां बनियां होईयां उन्हां नूं आबादी तो बाहर कढ़िया जावे, तो जिहड़े इत्थे रेस्टोरेंट हवेलियां हवेली शाही हवेली चलदी आ जिहड़ा उहदा निकासी का पानी वो अद्धा प्रबंध करके कोई ट्रीटमेंट प्लांट लाउण, तो कोई कलोनी का जिहड़ा पानी आ उहनूं साफ करके ड्रेन के विच पाउण। मैं सरकार नूं भी इह बेनती करदा ग्राउंड ते आ के चैक करो भी ग्राउंड ते की आ। 3 साल साड़ी एक्टी पहली बारी पंचायत बनी सी माई गोड़ी साहब, सानू पंजाब सरकार ने 1 रुपया ग्रांट नहीं दिती। ठीक है जी, ग्रांट आऊगी तो फिर ही ट्रीटमेंट प्लांट लगनगे। ये तो मैटर इवें बनाई रखते जी, सारी बस्ती का पानी पैंदा हुण, साडा नहीं पैंदा जी, तुहाडा नहीं पैंदा जी, ये है जी, वो है जी, इदां दीआं गल्लां करन दा कोई फायदा नहीं। ये पानी कहिंदे नाला साडा टुट्टिआ, जदों तुहाडा ना तुहाडा खेत है तुहाडा उत्थों नाला टुट्टिआ, तुसीं दस्सो ना वी की कि कीवें पानी तो सारिआं नूं जांदा।